सो गाइज, आप लोग देख रहे हैं कि हम राधा रानी मंदिर जा रहे हैं। और भाई वैसे ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं था, बट हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो इसलिए हमने ऑटो किया। और बहुत ही स्पीड से, इसने हमें 2 ही मिनट 3 मिनट मुश्किल से लगे होंगे पहुंचा दिया। और वैसे बता भी रहे थे कि बहुत ही छोटा रास्ता है, अगर आप सीढ़ियों से जाना चाहते हैं तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। 200 के आसपास सीढ़ियाँ हैं, 200 या 250, उससे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा मतलब ज़्यादा वो नहीं है, आप जा सकते हो सीढ़ियों से भी। बट आप अगर आप ये रोपे का मज़ा लेना चाहते हो तो आप इससे भी जा सकते हो। वैसे हम इसे उड़न खटोला कहते हैं, यहाँ पे इस पे रोपे लिखा हुआ था। अब हर जगह का अलग अलग होता है। तो भाई हम लोग यहाँ पर आ चुके थे, टिकट ले ली थी। टिकट थी मतलब आने और जाने की दोनों लेते हो तो 100 रुपये थी, और जाने जाने की लेते हो तो 60 रुपये थी। मेरे हिसाब से तो जाने जाने की लेनी चाहिए, आने और जाने दोनों की नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों से आना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है अकॉर्डिंग। और बाकी तो डिपेंड ऑन भाई, आप जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। और वैसे यहाँ पे ना नंबर बहुत जल्दी आ रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था कि भाई बहुत बहुत देर ज़्यादा खड़ा नहीं रहना पड़ रहा था, बहुत जल्दी जल्दी आ रहा था, क्योंकि एक चक्कर में 18 लोग जा सकते थे। तो भाई हम लोग यहाँ वेटिंग में लगे हुए थे, वेट कर रहे थे। और हम सारे फ्रेंड्स मिलकर गए हुए थे, जो कि आप देख चुके होंगे हमारे वृंदावन वाली ट्रिप में। ये ट्रिप है, एक ही दिन में हमने दोनों ट्रिप किए थे, और वृंदावन जा। तो भाई यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि हम लोग कितने काले हो चुके हैं, आज कितना बुरा हाल हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत अच्छे लग रहे थे। हमारे ग्रुप का है। तो दे शांति में ना खड़ा, मेंबर ये देखो बैठिंग उड़न खटोला में। किसने उड़न खटोला बोला? सो भाई ये बैठने वाले हैं अब उड़न खटोला में। ये चार चार परियां उड़ेंगी, पांचवी को यही छोड़ेंगे, पांचवी इनको कैप्चर करेगी, पांचवी इनको कैप्चर कर रही है। अरे बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलते चलते ना रुक जाएंगी जब भी बैठेंगे ट्रेन से। अरे मैं एक बार ट्रेन में से कूद के चलती हूँ, मेरे मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट कर रखे। चलो 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 आगे, चलो आगे आगे आगे। अरे चलो 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 बैठो बैठो। लॉक कर दो भैया, लॉक। खटोले में बैठ गए,
और दीदी कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है ना? लो भैया वैसे मैं ना बहुत डरती हूँ, पर सिर्फ राधा रानी के यहाँ इसमें बैठ के जा रही हूँ, लेकिन मैं कभी भी झूले में नहीं झूली हूँ। दांतों की किकी बंदी हुई है, रील बना देना मंजूरी। अरे यार चुप चाप लग रहा है, खुला पेड़ पौधे क्या अच्छा भी लग रहा है, क्या रिलैक्स फील लो इसमें, देखो बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रही है, गर्मी में फील लग रहा है। यही गेट नहीं खोल दो फोटो वोटो करा लो बच्चों, फोटो दीदी पत्ती मार मंदिर आ जाइए। पानी राधे पानी सीमा, सत्ती के मेले में भी ऐसी भीड़ रही और अब की बार तो कल ही फंस गए। जब तन्नू निकल अब की बार हमें बुरी हालत हो गई। भीड़ का तो बहुत बुरा हाल है भैया, बहुत बुरा। ओ इतनी भीड़ मैं तो पहली बार देखी है, इतनी भीड़। नहीं मैं तो आराम से करके गई हूँ मिशन दर्शन। ये देख लो भाई बरसाना, इतनी ऊंचाई पर है हम। चले कहाँ गई प्रतिमा? हम जंग जीत कर आ चुके हैं, राधे रानी के दर्शन करके आ चुके हैं और ये थक हार कर बैठ गई है यहाँ। ये देखो भाई ये जंग जीत के आ गए, जंग जीती है वास्तव। ये उड़न घोटाला में उड़ने के चक्कर में जंग जीती है दीदी, उड़न खटोला में उड़ने के चक्कर में जंग जीती है। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो सीढ़ियों से इतना अच्छा रास्ता, हम तो फटाफट आ गए। अरे दो मिनट का रास्ता है, अरे रिक्शा पकड़ के तो आ जाते, पर वहाँ तो रिक्शा ना आते, यहीं थे रिक्शा। हम इसी वाले का वेट कर रहे हैं क्योंकि उसने बेचारे ने हमारा 1.5 घंटा वेट किया और 1 मिनट में 10 मिनट लगा दिया उसने अभी भी आने में। भाई व्यू के साथ महा संग्राम करके आए आज, अगर ये वीडियो उस लेडीज तक पहुंचे तो भाई पता चल जाए कि आगे से वो उड़न खटोले में ना बैठे। राधे राधे बोलो, राधे 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 भैया। चलो ठीक है बाय। गाइज हम लोगों का ट्रिप रहा बहुत 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 अच्छा, हम सब फ्रेंडों ने। सो गाइज मैं आपको बता दूं हमारा ट्रिप रहा बहुत अच्छा, हम फ्रेंडों ने मिलकर किया बहुत इंजॉय, और मतलब हम इंजॉय किया, हम तो दर्शन करने के लिए गए थे। मतलब हमारा सीधा सा था कि हमें दर्शन करने हैं, वृंदावन जाना है और बस हमारे दर्शन अच्छे हो जाएं, और जो कि हमारे इतने अच्छे हुए आप लास्ट वीडियो में देख चुके होंगे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और उसके बाद हमने प्लान किया कि हम राधा रानी जी के दर्शन करेंगे, जो कि हम चले बरसाना, और बरसाना में हमने किए राधा रानी जी के दर्शन। तो मैं गाइस आपको बता दूं एक चीज़ कि अगर आप जा रहे हो और अगर रोपे से जा रहे हो तो सिर्फ जाने जाने की टिकट लीजिए, आने की मत लीजिएगा, आते वक्त आप सीढ़ियों से ही आएगा।
क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप इतनी भीड़ में खड़े होगे, धक्का मुक्की और जालियाँ इतनी कमज़ोर सी हैं कि आप नीचे ही जाके सीधे पाओगे। अभी तक शुक्र राधा रानी की कृपा रही है कि वहाँ कोई हादसा नहीं हुआ है, बट होने में भी कोई कमी नहीं रही, क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा हो जाता तो हम लोग फिर जो हमारे एक दो थे वो आगे निकल गए थे, फिर हम तो बाकी पीछे सीढ़ियों से ही आए थे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ जाने जाने के लिए आने की ना लें, और अगर आप जा आ भी सकते हो तो आप जाएँ आए भी पैदल, क्योंकि इतना लंबा ज़्यादा लेंथी कोई रास्ता नहीं है। तो भाई हमारी राधा रानी और कृष्ण भगवान दोनों के दर्शन बहुत अच्छे हुए, और भाई इस ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ यहीं पर। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।